भारतीय जनता पार्टी से सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना का एक कथित वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि हत्या के जरिए प्रदर्शनकारियों को चुप नहीं कराया जा सकता। पीलीभीत के भाजपा सांसद गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा, वीडियो बिल्कुल साफ है, प्रदर्शनकारियों को हत्या के माध्यम से चुप नहीं कराया जा सकता है। निर्दोष किसानों का खून बहा है, इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। अहंकार और क्रूरता का संदेश हर किसान के दिमाग में प्रवेश कर उससे पहले न्याय दिला देना चाहिए। उन्होंने 27 सेकंड का जो वीडियो पोस्ट किया उसमें तेज रफ्तार से चली आ रही थार जीप लोगों को पीछे से कुचलते हुए दिखाई दे रही है। थार जीप के पीछे एक काली और दूसरी सफेद रंग की दो SUV दिखाई देती है। वीडियो में लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाजें भी देती हैं। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है ये वीडियो 3 अक्टूबर को बताया गया, जिस दिन लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई। गौरतलब है कि रविवार को लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई। मारे गए 8 लोगों में से 4 किसान थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत के लिए क्षेत्र में एक कार्यक्रम में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे वाहनों से कथित तौर पर कुचल दिया गया था।